अपनी गुरु जीवन देता है और इसलिए आप लोगों का दायित्व थोड़ा ज्यादा ही होता है। देश अब चल नहीं रहा है, देश दौड़ नहीं रहा है, देश उड़ रहा है। कभी कभी आप लोगों का फ्री पीरियड होता है ना, है? तो आज अपना फ्री पीरियड हो जाएगा, सिलेबस के बाहर ही करेंगे। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब अतिथि आपके घर आते हैं और अतिथि की चरण रज जब आपके घर में पड़ती है तो ईश्वर का रूप होती है। तो आप मेरे यहाँ मेहमान है और आपकी चरण रज आज मेरे घर में आई है तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तो उससे इसलिए आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनमानस छोटे से छोटा बच्चा और बुजुर्ग आदमी 100 वर्ष का भी जानता है कि परिवर्तन एक तरफा नहीं है, परिवर्तन चौतरफा है और देश अब चल नहीं रहा है, देश दौड़ नहीं रहा है, देश उड़ रहा है। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का भारतीय संस्कृति में बहुत ही जड़ें मजबूत हैं। हम अपने छात्रों को किस तरह से सजग कर सकते हैं कि वो इसे साकार कर सके। आप एकलव्य स्कूल में है, मतलब ज्यादातर आप आदिवासी बच्चों के बीच में है। अगर आदिवासी बच्चों के बीच में है तो पर्यावरण की रक्षा तो उनसे हमें सीखनी है जी। हमें उन्होंने जितनी पर्यावरण की रक्षा की है शायद कोई और कर सकता है। अब हमारे देश में रिसाइकल, हर चीज को रिसाइकल करना ये हमारे कल्चर में था। अगर कपड़े पुराने हो गए तो बड़े भाई के छोटे भाई को, फिर पहनने लायक न रहे तो उसमें से कोई रजाई विजाई बना दो। आज कल्चर क्या आया है, यूज एंड थ्रो। प्लास्टिक थैली बाजार से माल ले आओ और फिर फेंको। तो हमने हर लोगों को समझाना है कि भाई अपने जीवन को कैसे बदले। सर, हमने अपने स्कूल में कोविड के समय में डिफरेंट लैंग्वेजेस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनवाई सर, घर में मलयालम, पंजाबी, संस्कृत और हिंदी पर, और बच्चों ने रिसर्च किया, गाने गाए, डांस किया और उसको कंपाइल करके फिर हमने उसे ओपन सोर्स ऑफ लर्निंग की तरह यूट्यूब पर भी डाला सर। बढ़िया। भारत की विशेषता ये है कि हम विविधता को सेलिब्रेट करते हैं। क्या हम इसका आनंद ले सकते हैं क्या? अगर मान लीजिए आप तय करें कि चलो भाई 2024 हम केरल ईयर मनाएंगे स्कूल में, तो 24 में जितने कार्यक्रम होंगे, अच्छा दिवाली है तो अच्छा चलो भाई केरल में कैसे दिवाली करते हैं, एक अपनी दिवाली, एक केरल वाली दिवाली, मकर संक्रांति है तो एक अपने वाली एक उनकी, नया साल है तो हमारा और उनका, तो स्कूल के बच्चों को केरल में साल भर क्या क्या होता है वो सीखने को मिलेगा। Under your able leadership, India has ushered into Amrit Kaal. What is the new and changing role of teachers to achieve this goal? कभी भी जीवन में भीतर के विद्यार्थी को मरने नहीं देना चाहिए। अगर आपके भीतर का विद्यार्थी जिंदा है तो आप कभी जीवन में उलझन में नहीं फंसोगे, निराश नहीं होंगे, बोझिल जिंदगी नहीं बनेगी। टीचर से अपेक्षा होती है एग्जैक्टनेस की। बच्चों को एनकरेज करना चाहिए। देखिए, बच्चों में क्यूरियोसिटी को कभी भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए। आप लोग नहीं करते, इसीलिए तो आपको अवार्ड मिला है। आपकी तरफ जब मैं देखता हूं, आप देश, इतने महान देश के सारे काम इतनी आसानी से कर रहे हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का नाम इतना ऊंचाई पर है, इसलिए हर रोज निरंतर प्रयास कर रहे हैं, फिर भी आप अपने चेहरे पे वो तेज, आपकी हंसी, आप जिस तरह से हम लोगों को अभी एक एंटरटेन कर रहे हैं, इस तरह से हमें लगता है कि हमारे क्लास के बच्चे भी उसी तरीके से हमारी तरफ देखे जैसे हम आपकी तरफ देख रहे हैं। अच्छा, आप लोग स्कूल में पढ़ाते ना, परप्रकाशित है, परप्रकाशित पढ़ाते ना, तो मेरा जो तेज है ना
वो 140 करोड़ लोगों का जो तेज है ना जो रिफ्लेक्ट होता है इसके कारण। तो ये पर प्रकाशित है। आप ये मान के चलिए जो ये कभी आपको ये कहता है कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, तो मान के चलिए वो झूठ बोलता है, वो झूठ बोलता है। कभी टाइम की कमी होती ही नहीं जी, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि हम अपना टाइम कहां गंवा रहे हैं, हमें पता ही नहीं। अब तय करना है कि हमें समय वेस्ट करना है कि समय इन्वेस्ट करना है। दूसरा, आपको सामान्य जीवन में देखा होगा, काम करने की कभी थकान नहीं होती जी, काम न करने की थकान होती है। मैं मन से मानता हूं टीचर देश के लिए सर्वाधिक देश को बनाने में योगदान देने वाला ऐसा काम आपके पास